बंद होगी, देखो बंद होगी। ये पता नहीं क्या चक्कर है यार इसका, समझ नहीं आ रहा है। अब डॉक्टर को जल्दी दिखाना पड़ेगा यार, बीमार हो रही है काफी। क्या हो गया भैया? हो मेरी बंद होगी। तो बैक टू द रोड। तो नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, मजे में, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ब्लॉग 129। तो आज जा रहे हैं सेक्टर 9, वहाँ पे अपनी सिस्टर की पीसीसी लेने जा रहे हैं। ओए भाई ये क्या बंद हो गई थी भाई अभी एकदम से ही। ये क्लच लेता हूँ एकदम से ना बंद हो जाती है, ये पता नहीं क्या चक्कर हो गया, बीमारी होगी। अब कल जाएंगे, कल या परसों जाएंगे इसकी सर्विस कराने भी। हाँ तो क्या कह रहा था मैम, तो यार कई बारी बातें इधर कर रहा हूँ आज चला जाता हूँ मैं राइट, पता नहीं क्या होता मेरे साथ। तो क्या कह रहा था, तो अभी जा रहे हैं हम सेक्टर 9, वहाँ पे अपनी सिस्टर की पीसीसी लेने जा रहे हैं। पीसीसी मतलब पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं। एंड तो मेरी सिस्टर को लोड इसलिए पड़ी क्योंकि उसे एयरपोर्ट में लगा रहा था मैं, इंडिगो एयरलाइन में लगा रहा था, तो उसमें पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो हमने करा तो दिया था, और फिर मैंने मतलब जो इंडिगो के मैनेजर होता है उनसे पूछा था, सर जो लड़कियां रख रहे थे तो उनका क्या सीन है, मतलब रख लिया है कि अभी रखना है? तो वो तो कह रहे रख लिया। तो यार हमने उम्मीद तो पूरी छोड़ दी थी, फिर तो भी कल परसों फ़ोन आ गया इंडिगो ऑफिस से कि आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, आप सेलेक्ट हो चुके हैं। तो वही लेने जा रहा हूँ फिर मैं आज, तो चलते हैं सेक्टर 9। तो यार अपना गोप्रो बहुत डटी हो रखा है तो उसे भी साफ़ करना है। जब से मैंने केस में डाला है, जब से मैंने केस निकाला भी नहीं है, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो इसकी थोड़ी सर्विस करते हैं खुद ही। एंड गंदा ऐसे हुआ कि 26 जनवरी पे हम गए थे राइड पे शिमला, अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आई बटन पर लिंक होगा, जाके ज़रूर देखिएगा, पसंद आएगा आपको कैसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा था हमने। तो वहाँ पर हो रहा था स्नोफॉल, तो स्नोफॉल से ना काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वगैरह इसमें मतलब मट्टी समझ डस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उसे साफ़ करेंगे। और मैं स्क्रैच लैमिनेशन लेके आया था एक, वो भी करेंगे, जो इसका मतलब वो गार्ड आता है वो थोड़ा कॉस्टली है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता गार्ड गुड, तो वो रहेगा स्क्रैच लैमिनेशन, उससे स्क्रैच भी नहीं आएगा और मस्त चलेगा भी, वो करेंगे आज। यार एग्जॉस्ट होता तो मज़ा ही आया था, कतई जहर वाला मज़ा आ जाता, पर भाई चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में चलान भी मोटा होता है एग्जॉस्ट पे, 10,000 का चलान है भाई साहब। ओ माय गॉड, एक अगर भगवान ना करे कभी चलान हो अपना, और 10,000 का चलान यानी कि स्पीति हम एक बार ही और कर सकते हैं। बंद होगी, शिट शिट, चालू होगी, क्या हो रहा है यार भाई जी, जाम कर दिए, भाई की भी गाड़ी बंद होगी, अपनी भी गाड़ी बंद हो रही। क्लच लेता हूँ ना और थोड़ा सा एक्सीलेटर दे देता हूँ, बूम कर देता हूँ, तो उसी टाइम बंद हो जाती है। अब पता नहीं क्या चक्कर हो गया, ऐसे बीमार होगी लगता है काफ़ी, और आजकल इसे सही से मैं केयरिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, करते थोड़ा काम इस पे भी। चलो गोकर, चलो 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 चलो। ओ शिट यार, 18 में एक काम भी था, वो चीज लेके आ जाता तो काम हो जाता, शिट 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 यार, गड़बड़ होगी। ये लेफ्ट साइड में अपने 21 है, यहाँ पे मतलब स्पोर्ट्स बाइक का काम होता है, मतलब सस्ते वाले एक्रा पोविक और ऐसी प्रोजेक्ट लगते हैं। चंडीगढ़ में जो 21 की मार्केट है वो मशहूर है बाइकों की एसेसरीज़ के लिए, मतलब मॉडिफिकेशन हो गया, एसेसरीज हो गया, हेलमेट हो गया, राइडिंग गियर हो गया, मशहूर इन चीज़ों से है 21 की मार्केट। और राइट साइड में हमारे सतारा बस स्टैंड,
हनी सिंह का जो फैन होगा उनको मालूम ही होगा सेक्टर सतारा रैप सुना होगा आपने। निकल जाएगी, निकल जाएगी। क्या हो गया भैया, आगे तक छोड़ दूं? लगा दूंगा आ जाओ आगे। तेरी माँ का हो मेरी बंद होगी। सही है, चल गई मेरी बंद होगी थी। स्टार्टिंग में बाइक को धक्का लगाना बड़ा मुश्किल होता है, जब एक बारी फ्रिक्शन आ जाता है उसमें तो अच्छी चलती है। ओह माय गॉड, गर्मी से होगी थोड़ी। चलो यार चलो, रोकना नहीं कोई, नहीं तो मेरी फिर फटेगी। ओ यार, ओ यार, शेट, शेट, चलते रहो भैया, चलते रहो। और अपने लेफ्ट साइड में रोज़ गार्डन, यहाँ पे हर एक वैरायटी के फूल लगे रहते हैं, फूल लगते हैं इसमें। किसी दिन घुमाऊंगा आपको। सॉरी, वेलकम वेलकम। चलो भाई की बाइक भी चालू होगी, पर मेरे पैर की लग गई रे मामा, पैर दर्द होने लग गया। तो लेफ्ट साइड है अपना रोज़ गार्डन, अभी रोज़ गार्डन फेस्टिवल है तो उसमें काफ़ी सारे रोजेस लगेंगे, मतलब लगे होते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह वहाँ पे। शायद कभी गया नहीं हूँ वैसे, चंडीगढ़ में मेरे को हो गया आज 23 ईयर्स हो चुका है मुझे चंडीगढ़ में, और कभी मैं गया नहीं हूँ रोज़ गार्डन। मैं रोज़ गार्डन फेस्टिवल, रोज़ गार्डन तो आया हूँ मैं, पर रोज़ गार्डन फेस्टिवल कभी अटेंड नहीं करा है। मे भी हो सके तो इस बार ही अटेंड करूँ या ना, ऊपर वाले की मर्जी, देखते हैं क्या होता है, टाइम के हिसाब से देखते हैं। तो भाई की यार बाइक को लात लगाया तो उसमें मेरी सांसें फूल गई। एक्टिवा से अच्छा अच्छा लात लगता है यार। तो आगे बातें करते करते हम 9 सेक्टर भी आ गए, ये रहा सामने 9 सेक्टर, तो अब चलते हैं। अब यहां से लेते हैं यू टर्न। ये क्या भाई, इनको कुछ नहीं बोला, बाच के ताऊ आज आप, रूल ब्रेक करा आपने। तो यहाँ पे लगाते हैं बाइक और फटाक से होगा आते हैं अंदर से। तो सिस्टर का पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, अब चलते हैं घर। एंड ये रहा, तो चलते हैं। तो अब यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से तो अपना काम हो चुका है। इन भाई साहब को देखो कैसे खड़े हैं, कोई डर नहीं है हमारी ब्लैक पैंथर का, कोई डर नहीं है। कोई बात नहीं बेबी, अपना टाइम आएगा। और यार एक थंबनेल भी मिल चुका है अपने को, पहले ओए मेरे को रुकना है,
पहले पहले मैं सोच रहा था अपनी सिस्टर का ही जो PCC सर्टिफिकेट लेने आऊँगा तो उसकी थंबनेल लगाऊँगा, पर ऊपर वाला कह रहा बेटा तो ये ना लगा, इससे अच्छा लगा। तो थैंक यू ऊपर वाले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे ऐसे थंबनेल दिया करो आप यार। इतनी मेहनत से हम थंबनेल सेट करते हैं, टाइटल सेट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो यार। प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, मैं अपने ही नहीं बात कर रहा हूँ, हर एक क्रिएटर की बात कर रहा हूँ, सबको लाइक कर दिया करो। लाइक करने से क्या जाता है, कुछ जाता है नहीं जाता, पैसे लगते हैं नहीं लगते, कर दिया करो यार। क्योंकि जो लाइक होता है ना उससे ना फिर दिल को तसल्ली होती है कि हाँ भाई सही जा रहे हैं, और मेहनत करते हैं और कंटेंट अच्छा लाते हैं, तो कर दिया करो यार लाइक। तो अब जाना है अंकित भाई के पास, क्योंकि अभी अखिल भाई का फ़ोन आया था कि भाई उससे गिम्बल लेके आ जाना, तो चलते हैं फिर अंकित भाई के पास, फिर उससे लेते हैं गिम्बल, गिम्बल लेके फिर जोजो भाई को देना है, मींस यतीन भाई को, फिर आके ले जाएगा खुद ही। तो अभी आ चुके हैं 22। तो यहाँ पे तीन चीज़ बहुत फेमस है, एक तो ज्वेलरी वाले काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, ओ माई गॉड, एक तो ज्वेलरी वाले काफ़ी सारे हैं, और 22B में मोबाइल मार्केट है बहुत अच्छी, मतलब हर एक वैरायटी के फ़ोन मिल जाए आपको, नए से पुराने। और एक यहाँ पे रेडी मार्केट पे कपड़ों की, मतलब वो चीपेस्ट रेट में आपको कपड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, खासकर लड़कियों के लिए यहाँ पे, क्योंकि लड़कियों की मार्केट बहुत अच्छी अच्छी लगी होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी और भी काफ़ी चीज़ें, लेडीज़ आइटम ज़्यादा मिलती है यहाँ पे, जेंट्स की थोड़ी महंगी मिलती, तो यहाँ पे लेडीज़ आइटम सस्ती और बहुत अच्छी मिलेगी। बंद होगी, देखो बंद होगी, ये पता नहीं क्या चक्कर है यार इसका, समझ नहीं आ रहा है, अब डॉक्टर को जल्दी दिखाना पड़ेगा यार, बीमार हो रही है काफ़ी। तो राइट साइड में हमारे हैं 34, यहाँ पे मतलब इंस्टीट्यूट काफ़ी सारे हैं, भर भर के इंस्टीट्यूट है, हर एक चीज़ का इंस्टीट्यूट मिलेगा आपको यहाँ पे सेक्टर 34 में। और ये हमारा 21 तो बता ही रखा है आपको, इधर बाइकिंग मटेरियल है, इधर इंस्टीट्यूट मटेरियल है, पीछे मोबाइल मार्केट और कपड़ा मार्केट की इंस्टीट्यूट समझ लो। मतलब चंडीगढ़ के ना हर एक सेक्टर में ना कुछ नहीं तो कुछ आपको यूनिक मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी आ चुके हैं अंकित भाई के पास, ओ बाबा पीछे देख के है कहाँ पे उसे फ़ोन लगाया, बुलट तो यहाँ दिख नहीं रही, अरे राम। ये भाई साहब तो हमेशा बिजी रहते हैं। तो भाई साहब सामान तो मिल चुका, इसे डाल रहे हैं बैग में। तो अंकित भाई है नहीं घर पे, वो गया है 34 काम से गया है, क्योंकि भाई वेरिका का सारा बोझ उसी पे ही है ना, तो इसलिए गया हुआ है वो। तो एंड अब चलते हैं जोजो भाई के पास। एक तो यार मेरे साथ क्या हो रहा है मालूम है, किसी का भी नाम लेता हूँ ना, चाहे वो यतीन हो गया, अखिल हो गया, रंजीत हो गया, संदीप हो गया, वट एवर, मतलब मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं, उनका किसी का भी नाम लेता हूँ ना तो एक बारी जरूर ना अंकित का नाम जरूर याद आता है मुझे, मतलब मेरे मुँह से निकल जाता है कि अंकित ये फलाना, अंकित वो, मतलब किसी को भी बोलूँगा तो अंकित 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 बस, और कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन गई यार, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो शायद उसे भी इतना ना याद करूं जितना इसे याद इसे करता हूं, समझ रहे हो ना। तो अंकित और अखिल भाई ये देखो भाई सामान ये दे रहा हूं मैं भाई को, अब जो भी हो अपने को लेना देना नहीं है, अपना सिर्फ काम था डिलीवरी, वो डिलीवरी कर दी, अब चाय पीते हैं। एक तो कप फट गया अभी, चलो ओके। तो भाई साहब अब चल रहे हैं जोजो भाई के पास से, अब यार लेट भी हो गया, बातें करते करते प्लानिंग बनाते बनाते काफ़ी लेट हो चुका, 11:30 हो चुका यार। तो 12 बज चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, पसंद है तो मालूम क्या करना है, मालूम है लाइक, मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और घंटा बजाना मत बोलना क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी अगर आपने घंटा नहीं दबाया। तो मिलते हैं इसी तरह दूसरी वीडियो में, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हैव अ नाइस डे।